तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9 कप है और एक टेबल पर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अरेंज्ड है। इन 9 कप में से 6 कप कॉफी का है और 3 कप चाय का है, ओके टी। तो कह रहा है कि कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, इन 9 कप्स को अरेंज किया जा सकता है सो दैट कि हर रो में, ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। ओके, तो हम यहाँ दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से आपको एक एग्जाम में चूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट टाइप का है, एक थोड़ा लॉन्ग कट है। ओके, दैट्स इट। मेथड 1 में हम दो केस लेंगे। ओके, पहला केस है, क्या कह रहा है कि ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। तो मान लेते हैं कि तीनों रो में एक एक कप कॉफी है, और ये है रो 1, रो 2 एंड रो 3। ओके, रो इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम्स। ओके, तो मेरे पास एक एक कप ऑफ कॉफी एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, एक एक कप ऑफ कॉफी एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। तो बचा 3 कप ऑफ कॉफी आउट ऑफ 6। तो हमारे पास पहला केस में हम मान लेते हैं कि मेरे पास हर रो में दो दो कॉफी है और बचा 3, ठीक है, इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। और दूसरा केस बनता है हमारे पास कि हम 3 कॉफी ले, एक रो में, दूसरे रो में 2 कॉफी ले और तीसरे रो में सिर्फ एक ही कॉफी रहेगा, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ओके, चूंकि हमारे पास टी भी है तो इसलिए हमको कैसे अरेंजमेंट देखना होगा। देखिए, हमें विद इन रो भी अरेंजमेंट देखना होगा, मतलब रो 1 में ही इसमें इसके इसके बीच में अरेंजमेंट देखना होगा, क्योंकि यहाँ टी भी तो है, यहाँ अरेंजमेंट देखना होगा, और डिफरेंट रोज के बीच में कैसा अरेंजमेंट होगा ये भी देखना होगा। इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो मेथड 1 क्या है कि जिसमें हम मेथड 1 में ही केस 1 क्या है जिसमें हम दो दो कॉफी लेते हैं हर रो में, और केस 2 क्या है, एक में 3 कॉफी लेंगे, एक में दो, एक में एक, ठीक है। तो ये मेथड 1 में दो केस, चलिए करके देखते हैं। तो पहले लेते हैं 2 कॉफी हर रो में, तो मेरे पास एक टी हो जाएगा हर रो में। तो इसके कैसे अरेंजमेंट पॉसिबल है, सबसे पहले हम R1, R2 और R3 के स्पेशली अंदर अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी हम R1, R2, R3 के बीच की बात नहीं करेंगे, तो पहले इसके अंदर में कैसे कैसे अरेंजमेंट है। तो हो जाएगा R1 के लिए 3C2 इंटू, R2 के लिए हो जाएगा 3C2, 3 चूज 2, और इसमें से भी 3 में से 2 कॉफी चूज करना है 3C2 इंटू। अब देखो, अब इन तीनों रोज के बीच भी तो हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट चेक करना होगा। तो इन तीनों रोज के बीच पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ये रो यहाँ जा सकता है, ये रो यहाँ जा सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि तीनों लगभग सिमिलर है। जहां भी करें हमारे पास एक ही पॉसिबल वे है, सिंपल यही है। तो ये हो जाएगा 3C2 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 3। कैसे निकाला देखिए, एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो हमारा हो जाएगा 3C2 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा इंटू 3, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 27 बेस पॉसिबल है। मेथड 1 के केस 1 में 27 वेज, केस 2 हमने क्या बोला था कि 3 3 करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो दो वाला हमने देख लिया, इसमें कितना पॉसिबल वेज आया 27, हमने पीछे देखा 27 वेज आया यहाँ पर। अब हम देखेंगे मेथड 1 में केस 2। ओके, केस 2 में क्या है, अब देखिए यहाँ पर 3C, 2C,
और वन सी, तो इस तरह से अरेंज कर देंगे। देखिए R1, R2, R3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, R1 में क्या से अरेंजमेंट होगा, तो हो जाएगा 3C3, क्योंकि 3 कप कॉफी चूज करना है टोटल 3 में से, इंटू 3C2 इंटू 3C1। अब देखिए, अब इन तीनों रोज के बीच में क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, या तो किसी में 3 कप ऑफ कॉफी डाल दो, या तो किसी में 2 कप डाल दो, या उसमें इस रूम में 3 कप भी कॉफी का अरेंजमेंट बना सकते हैं, 2 कप का भी बना सकते हैं, 1 कप भी बना सकते हैं। मेरे पास 3 वेज है इसको फिल करने के, या तो तीनों के तीनों कॉफी रखो, या तो 2 कॉफी रखो, या तो 1 कॉफी रखो, कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मतलब 3 वेज है मेरे पास, चूंकि इसमें 1 वेज यूज कर लिए, तो इसमें अब मेरे पास 2 वेज बचा, इसमें 1 वेज बचा, मतलब 3 2 6 वेज टोटल हो गया, तो यहाँ पर 6 वेज हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, इसके लिए हो जाएगा 3 × 6, 53 54 वेज। तो हमारे पास केस 1 में आया 2 केस, जैसे कि मैंने पहले ही बता बोला कि मेथड 1 में 2 केस लगेगा, ठीक है। और दोनों केस में, पहले केस में आया 27 वेज, दूसरे केस में आया 54 वेज, टोटल कितने वेज होंगे ऐड कर दो, 81 वेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 81 वेज। ओके, तो यही आंसर है। अब चलते हैं मेथड 2 की तरफ। ओके, मेथड 2 काफी सिंपल है। देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास 9 कॉफी है और 3 टी है, ठीक है, सॉरी 9 कप है, और जिसमें से 9 कप है मेरे पास, जिसमें से 6 कॉफी है और 3 टी है, ठीक है। और मेरे को चूज करना है, मान लेते हैं 6 कॉफी को चूज करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 9C6, मतलब इस 9 बॉक्सेस में मेरे को 6 कॉफी अरेंज करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी कैसे करेंगे, 9C6 करेंगे, तो NCR का जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो सेम उसी तरह करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल कर सकते हैं अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 करेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 84, 4 × 3 × 7 84 होता है। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंडीशन क्या दिया हुआ, एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी हर रूम में होना ही चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 6 कप ऑफ कॉफी को इस तरह से अरेंज कर दे, सी इस तरह से, सी 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 सी, तो इस रो में तो सारा टी हो जाएगा, है ना, कुछ केस तो ऐसा ही बनेगा अगर हम इस फॉर्मूला को लागू करते हैं। तो ऐसे केसेस को हटाएंगे कैसे, इसको माइनस करना पड़ेगा, कितने केस ऐसे आएंगे देखते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि किसी रो में 3 टी आ गया, फिर दूसरे रो में 3 टी आ गया, फिर तीसरे रो में भी 3 टी आ गया, तो मतलब 3 पॉसिबल वेज हैं, R1 यहाँ पर, R2 है यहाँ पर, R3 में, मतलब 3 वेज है जिनकी वजह से हमारा 1 कप ऑफ कॉफी का जो कंडीशन दिया हुआ है वो फुलफिल नहीं होता है, तो इन 3 केस को माइनस कर देंगे, तो 84 − 3 हो जाएगा 81 वेज। तो ये हमारा आंसर है, दैट्स इट।